वाहे गुरु 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 वाहे गुरु
बसावे ताकि महमा गनी नयावे महमा गनी नयावे किनका एक किनका जिस जी बसावे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहगुरु दीन दुनिया दे वाली सतगुरु सर्वरे कायनात वालिए कुल आलम शब्द गुरु जहरा जहूर सर्ब कला भरपूर धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर ब्रह्म ज्ञानी पुत्रां दे दानी सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी दे पहले मुख ग्रंथी ब्रह्म ज्ञानी धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी के पावन पवित्र अस्थाना उत्ते चौथ दे सलाना जोड़ मेले में हाजरियां लवा के लाहा प्राप्त कर रहे सन्मान योग गरीब नवाज गुरु खालसा जी धनता दे योग वड भागे हो आप सरबत माई भाई जो अपने रुझेव्या विचों समा कढ के अपने समय नूं कीमती ते मनुखा जीवन नूं भागां वाला करन वास्ते बाबा बुढ़ा साहब जी के पावन स्थाना उत्ते गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सज के बैठे हो आओ रसना पवित्र करिए कोई रसना वांझी ना रहे जिन्हें माई भाई सत्कार सहित सज के बैठे हो आओ एकाग्रता बनाइए प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत संगत में आना है सावधानी ते एकाग्रता जिहड़ी है बड़ी जरूरी है आओ मन बिरतियां एकाग्र करो चढ़ती कला दे नाल गज के आखो जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह सत्कारयोग सरदार गुरदेव सिंह धारोवाली अमेरिका चढ़ती कला वास्ते अरदास करवा के गए ने साडे अति सत्कारयोग ढाडी जथे नाल मुहब्बत करन वाले सरदार हरदीप सिंह जी गगोमाल उन्हां वल्लों ढाडी जथे नूं बहुत सारा सन्मान हाजिर किया गया सतगुरु चढ़ती कला बख्शिश करन स्टेज उत्ते सुभाए मान ने याद रखो इस पावन स्थान दे सुचजे प्रबंध नूं करन वास्ते हमेशा जतनशील रहने वाले साढ़े सत्कारयोग सरदार प्रगट सिंह जी तेड़ा जेड़े इस पावन स्थान दे मैनेजर ने कल्ले मैनेजर नहीं वो गुरु घर दे प्रचारक भी बहुत वधिया ते बहुत उच्च चोटी दे बुलारे ते चंगे कवीशर भी ने इतिहास नाल प्रेम है संगत विच इतिहास का आनंद मानन वास्ते वो लंबे समय तो विराजमान ने उन्हां दी सेहत जाबी चढ़दी कला की अरदास मैं पातशाह दे चरणां विच करदा होर भी गुरु की संगत वल्लों सन्मान हाजिर होया मेरा पातशाह सारियां उत्ते मेहरामत भरिया हथ रखे हथ जोड़ के कह दिओ नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला यह जोड़ मेला चौथ का बाबा बुढ़ा साहब जी के पावन स्थान उत्ते हर साल मनाया जाता है गुरुद्वारे बाबा बुढ़ा साहब के पावन स्थान उत्ते आपां आउंदे कादे वास्ते आ एडा वड्डा दीवान हाल अंदर इस जोड़ मेले अंदर जिहड़े जुड़न वास्ते आए ने उह समाधियां ला के बैठे ने लेकिन आपां जे बाहर चले जावांगे ना नौजवान मुंडे ट्रैक्टरां उत्ते उच्ची उच्ची बेसां छड के रौला रप्पा पा रहे ने कुछ वाजे वजा रहे ने ते जो धीआं भैणां लंघदियां ने ते उन्हां नूं वेख वेख के चीकां वी वज रहीआं ने याद रखो गुरद्वारे कादे वास्ते आया जांदा है जोड़ मेलिआं विच आउणा किवें चाहीदा है संगत ते गुरु साहिबानां दे वेले वी आउंदी सी लेकिन जिवें अज आपां आउणे आ ना उह संगत इदां नहीं सी आउंदी उह संगत पिंडां विचों इकत्तर हो के गल विच ढोलकी हत्थां विच छैणे जबान उत्ते बाणी दे शब्द पढ़दे होए सतनाम वाहिगुरु दा जाप करदे होए इन्हां जोड़ मेलिआं विच गुरु साहिबानां दे चरणां विच हाजरी लवाउण वास्ते आउंदे सन लेकिन अज दा नौजवान बुलट दे अगे एक वड्डा सारा केसरी निशान साहिब नीले रंग दा निशान साहिब बन के याद रखो ना सिर उत्ते पग है ना जूड़ा है ना उन्हें सिर कज्जिआ होइआ गल विच खट्टे रंग दा सरोपा जिहड़ा गुरु दरबार विचों प्राप्त हुंदा है लेकिन उस सरोपे की भी बेकदरी करदे ने गल विच पा के याद रखो पटाके मारदे बुलट मोटरसाइकलों उत्ते वो इन्हां जोड़ मेलिआं दा माहौल खराब कर रहे ने वह जोड़ मेले विच नहीं आउंदे गुरु घर कादे वास्ते आउणा है आपां पातशाह दी बाणी नूं आपां नूं पढ़ना ते विचारना पवेगा
सतगुरु कहिंदे गुर मिल चज अचार सिख कादे वास्ते कहिंदे तू चले बाबा बुढ़ा साहब दे पावन स्थान उत्ते जो जावेगा दरबार विच जावी दरबार विच तख्ता उत्ते दीन दुनिया दे वाली गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज प्रकाशमान ने तेरी उड़ीक विच ने वो तेनू दर्शन देने वास्ते तख्ता उत्ते विराजमान ने क्योंकि इत्थे हरेक नू दर्शन हुंदे ने ते जिहड़ा बंदा भावना प्यार लैके शरदा दे नाल गुरु घर वल्ले चले ते मेरा पातशाह मेरा दा मालक करोड़ा कदम अगल वांडी जांदा है चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल सतगुर कोट पेंडा आगे हुए लेत है ते जदों गुरु पातशाह दे सन्मुख जावेगा ना ते गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दी इक तुक है ओनू सुनी ओनू मन्नी ओनू हिरदे च वसावी ते ओहदे उत्ते अमल करी ओ पंक्ति केड़ी है पातशाह कहिंदे जदों गुरु दे नाल मिलना है ना गुर मिल चज अचार सिख गुरु नू मिल के चज सिखी अचार सिखी किरदार नू घड़न दी जात सिखी जदों तेरा आचरण उच्चा होवेगा तेरा आचरण तेरा किरदार उच्चा होवेगा तेनू समझ सियाणप लियाकत प्राप्त होवेगी ते फिर होवेगा की कहिंदे तुद कदे ना लगे दुख फिर तेनू जिंदगी अंदर कदे दुख नहीं लगेगा जे तू गुरु नू मिल के चज आचार अकल किरदार सिख लवेगा जदों जोड़ मेलिया विच आउने आ नाम है जोड़ मेला ना के मेला गेला जोड़ मेलिया में चाहना है अपने बच्चों नू वर्जिया करो एवें नहीं भी डेढ़ डेढ़ लख दा बुलट मोटरसाइकिल दे के आप ट्रैक्टरां उत्ते धमक बेस ला के वड्डे वड्डे बक्से रख के आखिया भी चलो रमदास चौथ दे जोड़ मेले च जाके अत चुक दियो जाके ते जे आपां इन्हां धार्मिक समागमां विच अत चुकनी है ते याद रखो जिंदगी ते फिर वध तों वध धरोणी होनी है ना फिर घर अंदर शांति किवें बने क्योंकि आपां जोड़ मेलिया अंदर शांति नहीं रहन दित्ती इस करके आ जिहड़े जुड़न वाले ने ओह गुरु पातशाह दे सन्मुख आ के बैठे ने सच्यार सिख बैठे सतगुर पास घालण कूड़ियार ना लभणी कित थाए भाले झूठे ते लागे ही नहीं आउंदे लेकिन सच्यार सिख जिहड़े ने ओह गुरु पातशाह दी हजूरी अंदर जुड़ के बहिंदे ने तुहाडी श्रद्धा तुहाडी इस सरवणा भगती अगे सिर झुकाउंदा हां आओ एक बार सारी संगत कह दियो जी नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला समा बड़ा सीमित जिहा है मैं सीमित समय अंदर जिथों ज्ञानी दलजीत सिंह विशोवा लड़ी छड के चले गए ने मैं उतों ही ओ इतिहास की गाथा नू आरंभ कर देना है दो घोड़े दिल बाग ते गुल बाग ए आम घोड़े नहीं सन गिनती दे कुछ घोड़े ने इदा दे जेडे सानू इतिहास विच पढ़न वास्ते प्राप्त हुंदे ने कहिंदे इन्हां घोड़ियां दी नसल दा पहला घोड़ा गौतम बुद्ध दे कोल सी उस घोड़े दा नाम सी कत्तक दूसरा घोड़ा महाराणे प्रताप दे कोल सी उस घोड़े दा नाम सी चेतक आ तीसरा ते चौथा घोड़ा दिल बाग गुल बाग जेड़ा सेठ करोड़ी मल काबल विचों गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज वास्ते लेके आया ये दो घोड़े जिन्हां घोड़ियां करके भयानक जंग लगी हुई है पंजवां घोड़ा गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी दे पोतरे नीले दे शाह असवार रणा दे जेतू जरनैल अमृत दे दाते गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज दे कोल ते उस घोड़े नू आपां नीला कहिंदे आ कहिंदे ने कि छेवीं घोड़ी है ये मिर्जे दे कोल है इस घोड़ी दा नाम है बक्की ओहदे तों बाद एक घोड़ी आउंदी है देसा सरदार बुद्ध सिंह महाराजा रणजीत सिंह दे बुजुर्ग सरदार बुढ़ा सिंह भी जिन्हां नू कहिंदे ने कहिंदे उस देसा घोड़ी ते सवार होके सरदार बुढ़ा सिंह ने 16 वार जेलम दरिया पार कीता कहिंदे घोड़ी ते सवार इतिहास दे पन्नियां अंदर प्रसिद्ध हो गए जदों इतिहास पढ़ांगे याद रखो नाम मिलेगा देसा बुद्ध सिंह दो सन लेकिन दोवां चों इक होके संसार अंदर इतिहास अंदर प्रसिद्ध होए एक घोड़ी है लैला कहिंदे कोठे जिटी जवान जिन्हों प्राप्त करने वास्ते सैकड़े बंदियां दी कतलेआम होई वो महाराजा रणजीत सिंह दे कोल सी ए दुनिया दे अद्भुत घोड़े ने गुरु हरगोबिंद पातशाह ने आख्या सी जिन्हां ने साडे दरबार विच आउणा चंगे घोड़े लियाओ चंगे हथियार लैके आओ जवानियां भेटा करो होर कारण की सी लड़ाइयां दे सरकार सारा कुछ बर्दाश्त कर सकती है पर सरकारां
कदे एक गल नहीं बर्दाश्त कर दिया के उन्हां दे राज अंदर कोई दूजी सरकार खड़ी होवे। गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज संगता इन्हां नूं सच्चा पातशाह कहिंदियां ने। दिल्ली दी हकूमत साडा अकाल तख्त साहिब अज भी वेखना बर्दाश्त नहीं करदे। उह साडी वक्री आजाद प्रभु सत्ता साडी होंद नूं याद रखो वो बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन मजबूरी है उन्हां दी, वरना संविधान की धारा 25B ते अज भी आखी जाती है कि सिख केसा धारी हिंदू ने, सिख केसा धारी हिंदू ने। अज शस्त्र रखने वाला होवे, हथियारां दी गल करन वाला होवे, ते नैशनल मीडिया उत्ते प्रचार कर दिता जांदा है ये अतवादी ने, ये वक्खवादी ने। एक उठिया सी नौजवान जिन्हें पंजाब की जवानी नूं हलूणा दिता, क्योंकि सरकारां दी नीति ये है कि पंजाब की जवानी नशिया दे दरिया रुड़ जावे, ते जेड़ा नशे बंद करवाउण दी गल करेगा उहदे उत्ते सख्त धरावां ते डिबड़ूगढ़ दीआं जेलां, उहदे उत्ते NSA वर्गे मुकदमे दायर कर दित्ते जांदे ने। कारण इह पंजाब दा माहौल, बई उहनां ने ते किते कुत्ते नूं सोटा नहीं मारिया जिन्हां उत्ते तुसीं एडियां सख्त धरावां ला के, याद रखो उहनां नूं उन्हां जेलां विच बंद कर दिता जिथे उन्हां दे परिवारां दीआं मुलाकातां भी होणियां औखियां ने। इत्थों पता लगदा है ना कि सरकार दा नजरिया सिखां दे प्रति किदां दा है। हक्कां दी गल करन वाले अतवादी वक्खवादी ये देश तोड़न दीआं गल्लां करदे ने, लेकिन जिहड़े हिंदू हिंदी हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र की गल करन, याद रखो सरकार उन्हां उत्ते मेहरबान होके उन्हां नूं Z+ सुरक्षावां दिंदी है। गल मेरी लंबी ना होवे, इहो रौला उस वक्त सी गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज ने वंगार के आखिया, वो कहिंदे जिन्ने साडे कोले आउणा चंगे हथियार लैके आओ। गुर अर्जन पंचम पातशाह सन मालक पूर्ण भगती दे, वह कर कुरबानी धर्म अंदर जदों बीज बीज गए शक्ति दे, गुर छेवें जोधे हरगोबिंद होए विराजमान जद गद्दी ते, वो वारस बन के बैठ गए जदों अपने विरसे जद्दी ते, उन्हां बाबा बुढ़ा जी कोलों फिर पहन लईआं तलवारां दो, मीरी ते पीरी मिल गईआं जिवें इक कल्ला ते यारां दो। वो सियासत जिहड़ी नखसमी सी अते जिहड़ी अजे अभागण सी, लड़ धर्म दे ला के सतगुरां ने उहनूं कीता आप सुहागण सी। सिख संत साध सब आण जुड़े, जदों रहा कोई ना ओले सी, फिर मार के चोट नगारे ते गुरु हरगोबिंद इहो बोले सी, सिखो जे भेटा करनी है तां चंगे शस्त्र भेट करो, सुंदर जवानी भेट करो, घोड़े ते अस्त्र भेट करो, मेरी खुशी जे लैनी है तां चंगे घोड़ सवार बनो, नित पहनो शस्त्र अस्त्र वी ते जंगी सिपा सलार बनो। ओए अंग अंग मजबूत बना के कर दिओ दुनिया दंग जवानो, नाल अणख दे जीवो जागो, समय दी इहो मंग जवानो, दुश्मन कोई तलवार जे चुके फड़कण तुहाडे डौले सिखो, मजलूमां दा खून जे डुले खून तुहाडा खौले सिखो। कमजोरी एक बड़ा गुनाह है, कायरता भी पाप है वड्डा, जुल्म दे अग्गे झुकदे जाना समझो एक सराप है वड्डा, इस लई जो जुल्म नूं सोधे चाहीदी है हुण ओह भवानी, जिहड़ी कौम दे लेखे लगे चाहीदी है हुण ओह जवानी। जद तक तुहानूं डर मौत दा उन्ना चिर तुसीं जी नहीं सकदे, मौत दा डर जे ला सुट्टो तां फिर तुसीं कर की नहीं सकदे। आओ ढाडियो गाओ गज के अणखी वीर रस दीआं वारां, बोल तुहाडे बणन वंगारां, सुरां ते साज बणन ललकारां, ओ ठप ठप करके तुहाडियां ढड्डां सुत्ती कौम नूं टुंब जगावण, सरंगी ते गज दे घुंगरू कुरबानी दा चा चढ़ावण, गा के शेर परेरो एदां ठंडे लहू गरमावण, आपे ओ कपड़े तनो उतारन वांगू खल्ला लोक लहावण आपे। कवियो रब्बी दात है कविता, रच दे जाओ जुशीलियां वारां, इट्टां बन के कम आवणगियां कौम दियां जद बणन दवारां, रच दे हो जद समें दी कविता दिन दे पलट तुसी तकदीरां, उठ के मुर्दे मर्द ने बणदे चुक लैंदे ने हथ शमशीरां। एदां कह गुरु हरगोबिंद ने सिखां ताईं उत्साह सी दित्ता, उहनां दे मन उत्तों मौत दा डर पओ सारा ला सी दित्ता, नाल शातमई जुड़ी वीरता माला ते तलवार जुड़ी सी, एदां धर्म दे नाल सियासत आ के पहली वार जुड़ी सी। जद वज्जी चोट नगारे ते
जद धमक पई विच दिल्ली सी जद केसरी उच्चा लहराया ता कुल हकूमत हिली सी रतिया तख्त अकाल वेख के मुगल मीर सी कंब गया चढ़ता वेख गुरु हरगोबिंद दियां शाहजहान हो दंग गया अग बबूला होया तीसरी जंग लला बेग चढ़ के आया शमश बेग दा वाह बाबे बिधि चंद दे नाल पै गया पटका के धरती ते मारिया लत उत्ते रख के लत दूजे नू लै के अपने हाथ विच मार के जोर दी झटका कहिंदे शमश बेग दे दो फाड़ कर दित्ते प्यो मर गया भरा मर गया ए अखां दे नाल वेख्या कासम बेग ने मत्थे ते पा के वट अखां विच लिया के लाली मारदा जा ऐली दे नारे कहिंदे ने के लला बेग दा भतीजा इत्थे मैदाने जंग विच प्यो ते भरा दा बदला लैण वास्ते बई हे Oh,
वजू करा नाल वैरियां दी रात दे वजू करा नाल वैरियां दी रात दे फिर पड़ांगे मैं आखरी दुआ महान इंटरनेशनल कमिश्नर जथा ज्ञानी सुच्चा सिंह जी डेरा पठाना दुनिया दी मनिया हुई आवाजा जिन्हां दे नाल ने सत्कारयोग ज्ञानी सतनाम सिंह जी लील कला ज्ञानी सिकंदर सिंह जी गाजीवाल सारिआं वल्लों अपने छोटे वीरां नूं इतिहास के सत्कार अंदर असीसा भेजियां ने सतगुरु चढ़दी कला दे नाल पंथ की सेवा करन दा बल बख्शिश करन सरदार प्रगट सिंह जी तेड़ा मैनेजर साहब उन्हां वल्लों एक होर सौ दमड़ा इतिहास के सत्कार अंदर नवाजदिया होया हाजिर किया गया मेरे नगर वडाले तो सरदार जसवंत सिंह साहब जी सरदार हरजिंदर सिंह साहब जी एक सौ सौ दमड़ा उन्होंने वालों माया हरदास हुई है मेरा पातशाह मेरामत करे हले दे नाल एक रचना कह के आप को खिमा दे जाचक हो जाना है मैदाने जंग में आया कासुम बेग ये सामने खलो गया चिट्टा दाड़ा मुशहरिया ता दिता होया भाई जेठा नगर सिद्धवां दा रहण वाला कहिंदे जो कासम ने वेख्या भी मैं चढ़ती जवानी का मेरे सामने बुढ़ा लिया के खड़ा कर दिता जवानी नूं हंकार है ना लेकिन साढ़े तो बाद आनी है बुजुर्गी लेकिन याद रखो जोश ते होश मैं इन्हां दी सेहत जाबी दी अरदास करदा हां भाई सतनाम सिंह दी लील कला पंथ ने वड्डे सन्मान दे के नवाजिया है ज्ञानी सुच्चा सिंह ते उन्हां दे साथियां नूं बाबे जेठे ने आखिया क्योंकि तजर्बा बोलदा है ना उन्हां आखिया कासम बेग तेरा बाप मारिया गया तेरा भरा मारिया गया वो खानदार दा आखरी चिराग बचा कड़ी गल मौत ना भिड़दा फिरदा जा वापस चला जा जेठा कहिंदा गप्परूआ क्यों करे नदानी जा मुड़ जा मां कोल हीरिया रजमान जवानी हथ बद्धी मौली जापदी किसे प्यार निशानी ओ मुड़ मुड़ हथ ना आवना जामा इंसानी क्यों भिड़दी है मौत नाल महंगी जिंदगानी तेनू कबरों निकल ना देगी ये शरा कुरानी वो कहिंदे ने मिट जू गादी कमर दी ये निम निशानी जिउंदा जोबन सीतला बन जाऊ कहानी पर टलिया नहीं जवानी हंकार दे नशे च मस्त है ये अटकाया हटती नहीं कहिंदे टलिया ना कासम मत्ता हंकार दा ओ सूरमे दा बल रण विच अजमाया गया बाप ते भरा दा है सी बहुत हितकारी ओ मौत दे वसीले मेल दोहां दा कराया गया आशक सी हूरां दा उपाशक बहिश्तां दा चाड़ घोड़ी मौत वाली जन्नत पहुंचाया गया जेड़ा टिड्डी दल ओदे नाल चढ़ आया है सी बाबे जेठे हथों सबो मार के मुकाया गया लला बेग ने वेख्या भी मेरा भरा मर गया मेरे भतीजे मर गए मेरी अधियों बाद फौज तबाह हो गई है हुण की करां कहिंदे चीचियां लैंदा गुस्से दे नाल मैदाने जंग विच आया बाबा जेठा जी नूं पा लिया घेरा कहिंदे बहुतियां दे नाल लड़दा होया गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज दा अनन सिख उन्हां दा उस्ताद भी है शस्त्र विद्या भी सिखाउंदे रहे शेरां दा शिकारी है बाबा जेठा जेदा जिउंदे शेरां नूं कछे मार के पातशाह दीआं खुशियां प्राप्त करदा रहा सामने सुट के मारिया गया मैदाने जंग अंदर बाबा जेठा जी शहीद हो गए जदों वेखिया गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी ने बाबा जेठा जी नूं शहीद हुंदिआं इहदे रोह विच आए ने मैदाने जंग विच इक पासे लला बेग दूसरे पासे गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज मेरे पातशाह ने आख्या भी वार कर ले जुत दे कायदे कानून भुला के लला बेग ने तीरां दी वरखा कीती है एक तीर मेरे सतगुरु दा चलिया इहदे घोड़े नूं वज्जा ते धरती ते डिग पिया उठिया कहिंदा सच्चे पातशाह ओए अपने आप नूं धार्मिक आगू कहिंदे जे धर्म बराबरता सिखाउंदा है धर्म वितकरा नहीं करदा किसे दे नाल तुसीं आख्या धर्म युद्ध वास्ते हथियार चुके ने ओह पर तुसी घोड़े उते मैं पैदल ये बराबरता दा युद्ध नहीं ना तुसी धार्मिक आगू जे सच्चे पातशाह मुस्कुराए मोहसन फानी वक्त दा समकाली इतिहासकार ओह कहिंदा मैदाने जंग विच गुरु हरगोबिंद पातशाह अपने दुश्मन नाल भी इदां दा वर्ताओ करदे ने जिवें कोई उस्ताद अपने चेले नूं युद्ध विद्या दे गुर सिखाउंदा होवे पातशाह ने आख्या केड़ी गल्लों घबराउणा है तेरे चा तेरिया रीझा तेरिया सदरां
पूरिया करांगे। छड्या घोड़ा क्योंकि राजनीतिक बंदे बड़े तेज हुंदे ने, जदों गल कुर्सी ते आ पवे जान नूं खतरा होवे फिर धर्म दी दुहाई दे के लोगों नूं गुमराह करके लुटिया ते कुटिया जांदा है। गुरु कृपा करे छड्या मेरे पातशाह ने घोड़ा आख्या फिर आ ही गया है ते वार कर लै। कहिंदे एक वार दो वार तीन वार लला बेग ने कीते ने। मोहसन फानी कहिंदा सतगुरु ने तिने वारा नूं रोकिया, लेकिन मजाल है मत्थे ते कोई वट पिया होवे, पातशाह गुस्से च आए होण, पातशाह तैश विच आए होण। पातशाह ने बड़े सहजे आख्या लला बेग तेरे उस्ताद ने तेनू वार करन दी जात नहीं दसी, जज नहीं सिखाया, तेनू वार करन दी जात सिखाउने आ। दल पंजन वट जोधे पातशाह जिन्हां नू भाई गुरदास लिखदे ने, उह कहिंदे पंज प्याले पंज पीर, छठम पीर बैठा गोल भारी, अर्जन काया पलट के मूर्त हर गोबिंद सवारी, चली पीढ़ी सोटियां रूप दिखावन वारो वारी। दल भंजन गुर सूरमा वड योदा बहु परे उपकारी, रोक के तीन वार आके जोश विच छड़ के अकाल दा जयकारा, कहिंदे वार इंजनी वार हे। Woo!
ਹੋਈ ਕੜਕ ਕੇ ਜਮਰਾਜ ਦੀ ਜਾਈ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਦਰ ਚੀਰਿਆ ਜੋ ਮਾਲਾ शुरू हुई थी मैं समाप्त करने का अपने नियत समय अंदर जतन किया है। सच्चे पातशाह गुरु हरगोबिंद महाराज जी ने जीत ली। धन्यवाद गुरु की संगत का,
बुजुर्गों वालों सेवक ढाडी जथे स्पैशल इनाम के तौर पर असीसा भेजिया गई ने। मैं उन्हों की कदरदानी का धन्यवाद करता हाँ, चढ़ती कला की अरदास पातशाह के चरणों अंदर करता हाँ। मैनेजर साहब उन्हों वालों स्पैशल इनाम हाजिर होया सच्चे पातशाह चढ़ती कला कर। जथेदार लक्ष्मण सिंह जी धारोवाली गुरद्वारा सुधार लहर के वह महान शहीद जिन्होंने साका ननकाणा साहब की धरती उत्ते शहादत का जाम पीता, उन्हां दे नाम तो माया हाजिर है। संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरा वाले महापुरखों के पवित्र नाम तो माया अरदास है। एक माता कहती है मेरे नौ पुत विच इतफाक बने, उन्हां दा लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए। सलूक दे नाल ओ एक जोत दोए मूर्ति दे धारनी बन के गिरफ्त धर्म नूं ओ बतीत करन, ये अरदास है पातशाह दे पावन चरणा विच। धन्नवाद गुरु की संगत दा, ज्ञानी बलकार सिंह जी अजनाला, ज्ञानी दिलबाग सिंह जी पंगाली, इन्हां प्रचारक साहबानां दा धन्नवाद, भुल्लर टीवी वाले वीरां दा धन्नवाद, साउंड वाले वीर दा खास तौर पर धन्नवाद करते हैं। बहुत वधिया साउंड दा प्रबंध इन्हां वल्लों कीता गया पातशाह चढ़दी कला बख्शिश करन। धन्नवाद गुरु की संगत दा, खंडे बाटे दा अमृत छक के गुरु वाले बन के जीवन सफला बनाओ। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज दे लड़ लगो। दास जगदीश सिंह वडाला वीरम तहसील जिला अमृतसर, साथी सुखदेव सिंह बल, बलजीत सिंह मैदीपुर, गुरमेल सिंह प्रिंगड़ी की हाजरी दर प्रवान करो। कोटानकोट शुक्र पातशाह जी दे गज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।